एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूरिनुप चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की एग्जामिनेशन अपडेट को लेकर। 2024 एग्जामिनेशन के जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं, जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हो, चाहे उत्तराखंड के हों चाहे दूसरे स्टेट के हों, पहले बता दूं कि पिछले साल से यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि यहाँ पे केवल उत्तराखंड शहर के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपना फॉर्म कब आने वाला है। पिछले 5 सालों से आपको बता दूं, काफ़ी खुशी, काफ़ी हैप्पी हूँ मैं, प्राउड फील कर रहा हूँ कि 2019 से मैं लगातार हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट YouTube पे देता आ रहा हूँ अबाउट पंतनगर। और मैं तब से अपडेट दे रहा हूँ जब से YouTube पे कोई भी बंदा पंतनगर के बारे में आपको बताता नहीं था। इवन जो भी लोग बताने आए आज के डेट में वीडियो बना रहे, वो 19 के बाद से वीडियो बना रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उसी वे में, उसी कनेक्शन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी है उत्तराखंड के लोगों के साथ, स्पेशली जो बच्चे JBPUT के एस्पिरेंट हैं उनके साथ। आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे हमारे फाइनल ईयर में, जो हमारी पहली बैच में थे, इवन पहले जो हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड थे, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उसी वे में आप सभी के साथ मिल रहे हैं और अपडेट आपको हर हमेशा की तरह 2024 के एग्जामिनेशन के लिए भी देने वाले हैं। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए एक अपडेट है कि फॉर्म कब तक आता है, क्या प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन कब होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पंतनगर इंडिया का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है और यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल होता है BSc एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री सॉरी फिशरीज और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, कंप्यूटर साइंस का भी कोर्सेस है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म कब आएगा। सबसे पहली चीज़, फॉर्म देखो हमारा हर साल जो आता है वो आता है भाई हमारा मार्च के महीने में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 से 20 मार्च के बीच में कभी भी, मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, ये पिछले 5 साल एक्सपीरियंस है कि फॉर्म जब भी आए हैं वो हमेशा 25 to 15 यानी 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आए हैं। तो इस साल भी हमारा फॉर्म हम मैक्सिमम मान सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा और जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं वो जून महीने में होते हैं। ठीक है, जुलाई से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, सितंबर तक पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस एंड होती है, बाद में अक्टूबर में एक मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड हो जाते हैं या थर्ड फोर्थ राउंड हो जाते हैं, देन हमारा अक्टूबर तक पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होके एडमिशन स्टार्ट होके पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो भैया आप इतना समझो कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, ये 100% गारंटी है। मैं बोल रहा हूँ तो गारंटी ही समझो, क्योंकि जो भी मैं वो पंतनगर के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ सही होती है। आप रिकॉर्ड है अपना, एक चीज़ आप चाहो तो प्रीवियस रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन हमारे जून मंथ में होंगे, ठीक है, ये भी कन्फर्म है कि हमारे एग्जामिनेशन आफ्टर 10th June होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एलिजिबिलिटी किसकी है। देखो पहले क्या होता था कि जो आउटसाइड उत्तराखंड के बच्चे तो एलिजिबल नहीं थे, फिलहाल में इंडिया के हर एक स्टेट का बच्चा यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे प्रेफरेंस हमेशा उत्तराखंड के बच्चों को मिलती रिजर्वेशन अकॉर्डिंग, बट कुछ सीटों पे हमारा अदर स्टेट वाले बच्चा भी एलिजिबल है जनरल कैटेगरी कोटे के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे पेड सीट भी होती है, पेड सीट पे भी एडमिशन के लिए कट ऑफ प्रिपेयर किया जाता है और वो कट ऑफ भी हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही डिक्लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिलेबस क्या है। देखो आज की डेट में CUET बहुत जगह चल रहा है कि CUET में केवल क्लास 12th के सिलेबस से ऐसा मिक्सअप हो जाता है, बट अपने पंतनगर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पंतनगर ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको से क्लास 12th 11th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए रीजनिंग का एक अलग से पार्ट है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मिलता नहीं है किसी को, वो सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो एक सैंपल पेपर हमारे, जो हमारा अपना एप्लीकेशन है एग्री अपडेट, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मेंशन कर रखा है, अपने एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, वहाँ पे फ्री में हमने फ्री स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ अपलोड किया हुआ है। पिछले 4 साल से बच्चे 2016, 17, 18 का पेपर है, पिछले 4 साल से बच्चे उस चीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं, आप भी लीजिए। आई थिंक आपको अभी नए हो इस फील्ड में नहीं पता होगा, लेकिन बता दूं कि एग्री अपडेट एक ब्रांड है हमारे पंतनगर के बच्चों के लिए, उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट हमारे गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के, उनके लिए। तो आप इसको जानो समझो, एग्री अपडेट के प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, वहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर का मटेरियल स्टडी मटेरियल सब कुछ है, आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, सिलेबस में 11th 12th दोनों की चीज़ें आएंगी आपके। एग्जामिनेशन डेट हमारा जून महीने में होने वाला है। एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है, ठीक है, रिजर्वेशन सीट के अकॉर्डिंग सब कुछ कैसे क्या क्या होता, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जब फॉर्म हमारा रिलीज होगा मैं आप सभी के साथ ऑफिशियल बता दूंगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए इनकी अलग से वेबसाइट होती है जो कि आगे इन फ्यूचर आएगी तो मैं बता दूंगा, फिलहाल वैसा कुछ भी नहीं है।
और आपको बता दूं कि हमारा जो वेटनरी का एडमिशन होता है वो बच्चों नीट के स्कोर के बेसिस पर होता है, ये चीज ध्यान देना कि जो नीट का आप लोग एग्जामिनेशन दोगे उसके बेसिस पर होता है। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप करके भी अपना वेट में सीट ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं पिछले साल का रिकॉर्ड आपको दिखा दूं तो पिछले साल का रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन होगा, एक मिनट, ये सिलेबस भी जो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है इसमें सारा सिलेबस मेंशन है। अगर आप लोग प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस में, तो आप अभी प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब पिछले साल का एक इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि पिछले साल हमारा फॉर्म कब आया था। एप्लीकेशन फी आपका 1200 रुपये लगता है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए, अदर स्टेट के लिए, एससी एसटी के लिए 600 रुपये फी लगते हैं। आप उसी के बेसिस पे अपना फी पे कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखना, जो भी डॉक्यूमेंट की नीड होगी वो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि नॉर्मल फॉर्म फिलअप के टाइम पे कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यूजी पीजी कोर्सेस में एडमिशन एक साथ स्टार्ट होती है। नॉर्मल सीट के अलावा पेमेंट सीट भी यहाँ पे मिलता है, जो भी आपका कोर्स अलाउ किया जाएगा। अगर आपका मान लो स्कोर ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो आपको पेड सीट भी ऑफर की जाती है। तो जैसा भी हो, आप अपने प्रिपरेशन स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल सीट पेड सीट भी ले सकते हो, क्योंकि पेड सीट की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस बात को समझना कि वहाँ पे बच्चे उस चीज़ को कभी कभी नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे पिछले साल हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हमारा जून महीने में हुआ था, 3 और 4 जून को। इस साल भी हम मैक्सिमम मानेंगे कि हमारा 3 और 4 जून को हमारा एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट की। देखो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि वो अगर बीएससी ऐसी करे तो पंतनगर से करे, क्योंकि कॉलेज की वैल्यू बहुत ही अच्छी है और यहाँ का जो एक रेपुटेशन वो काफ़ी बेटर है आपके लिए। और मैं खुद को ट्राई किया था इस चीज़ के लिए, बट एक्चुअल में जब इस टाइम पे हमने एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे हम लोग के लिए एलिजिबल नहीं होता था। हम लोग केवल आईसीआर से एलिजिबल थे, हालांकि आईसीआर से मिला नहीं तो यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं था, ठीक है। ऑनर्स एग्रीकल्चर में 130 सीटें हैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 26 सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए। कंप्यूटर साइंस में 70 सीटें उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 10 सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए। वेटरी में 62 सीटें उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 24 सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए। बीएफएससी फिशरीज साइंस में 24 सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 24 सीटें पेड सीट के नाम पर। फूड टेक में 30 सीट है हमारी टोटल, जिसमें 15 उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 15 अदर स्टेट के बच्चों के लिए। फूड टेक और बीटेक एजी के लिए 10+2 में आपका पीसीएम रहना कंपलसरी है। इस बात को ध्यान देना कि फूड टेक पीसीबी वाले भी कर सकते हैं यहाँ से। दूसरे कॉलेज में क्या होता है कि पीसीबी वाले बीटेक फूड टेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंतनगर इस चीज को अलाउ करता है कि जो बच्चा पीसीबी ग्रुप से है वो फूड टेक कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है। बायोटेक्नोलॉजी भी पीसीएम पीसीबी दोनों बच्चे दे सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर में केवल पीसीएम, नॉट बायोलॉजी, ठीक है। तो बीटेक एग्रीकल्चर में केवल पीसीएम, और बीटेक एग्रीकल्चर में आप जेई मेंस के स्कोर पे भी एडमिशन ले पाओगे, या फिर यूट्यूब की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। पेड सीट का फीस थोड़ा ज्यादा होता है, तो इस बात को समझना। सीटें यहाँ पे आईसीआर के थ्रू भी रिजर्व होती हैं, और आपका जो कोटा होता है स्टेट का, जैसे ग्राम विकास अधिकारी कोटा हो गया, किसी घर में अगर कोई डिफेंस में है तो उसका कोटा हो गया, ठीक है। किसी घर में अगर कोई किसी एमएचआरडी यानी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने वाला बंदा है तो उसके लिए भी कुछ कोटा है। तो हर एक अपना रिजर्वेशन है। हालांकि मैं बोलूंगा रिजर्वेशन को मारो गोली यार, आप लोग अपना सेल्फ प्रिपरेशन करो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, क्योंकि कोटे के लिए डिफेंस में बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड से आ जाते हैं। उनके मैक्सिमम है तो ये एब्जॉर्व किया हो, नोटिस किया हो कि मोर देन 50% बच्चे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं डिफेंस का अपना कोटा लग जाता है। तो कोई बहुत बेनिफिट इसकी चीज़ नहीं है, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, खुद से पढ़ाई करो। बाकी फॉर्म जैसे रिलीज होता है मैं बता दूंगा आपको। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पंतनगर के लिए हर एक अपडेट आपको सबसे पहले एग्री अपडेट्स पे मिलती आती रही है और हमेशा मिलती रहेगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। जैसे फॉर्म आता है आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय।